नागरिक संहिता का मुद्दा क्या देश की जरूरत है या चुनावी ध्रुवीकरण का जरिया है? इस सवाल के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसके इर्द गिर्द वोट बैंक की राजनीति होती है और हर पार्टी इसके पक्ष में या इसके खिलाफ अपने अपने तर्क देती है। बीजेपी इसे देश की जरूरत बताती है तो विपक्ष देश के विविधतापूर्ण संस्कृति के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों से यह मुद्दा इस बार भी उठा है और देश की राजनीति में दोबारा से बहस छेड़ दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट इन्होंने नहीं बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये समझते हैं कि देश के अंदर समाज को पोलराइज करने का एक मुद्दा है। इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी है कि देश के अंदर पोलराइजेशन हो और पोलराइजेशन का राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिले। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। विपक्ष इसे बीजेपी का ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। चुनाव आया तो कुछ तो है नहीं बोलने को, बेरोजगारी पे बोलने को है नहीं, महंगाई पे बोलने के लिए है नहीं, सामाजिक सौहार्द टूट गया नहीं बोलने के लिए, किसान मजदूर के लिए कुछ भी नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? अरे लाओ ना साहब, यूनिफॉर्म नौकरियां भी तो दो, उस पर भी तो चर्चा हो। हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया और कानून पार्लियामेंट ने बनाया, उस वक्त कितना बड़ा हंगामा बर्पा किया गया था। कहा गया था कि अगर ये मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ है उसमें दखल दिया जा रहा है, आज सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और जो मुस्लिम बहनें हैं उससे बहुत खुश हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक मैरिज रिफॉर्म है और अगर इसकी बात की जा रही है तो कोई हिंदू कोड बिल थोड़ी थोपा जा रहा है, यूनिफॉर्म किया जा रहा है, यानी वो एक अच्छी चीज की जा रही है। और इस पर इतना हमारे विपक्षियों को इस पर बहुत ज्यादा हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसको हमने कहा है, इसको जरूर करेंगे और समाज में भी इसको लेकर कोई असंतोष नहीं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई जा रही समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इनमें 3 से 4 सदस्य होंगे। इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, लेकिन आरोप धर्म में दखलअंदाजी के भी। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रही है। ये सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर समाज को बांटना और उसका राजनीतिक लाभ उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ है इसमें। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहली बार उठा हो, समय समय पर यह मुद्दा भी उठता रहा और इस पर बहस भी होती रही। उत्तराखंड चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है, चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी गठन पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशों के बाद ये कानून उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है, लेकिन क्या राज्य सरकारें अपने राज्य में यूसीसी को लागू कर सकती हैं? हम ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल राजनीति से अलग ये मुद्दा समय समय पर सामाजिक बहस में भी शामिल होता रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यक्षा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बेहतर तमीज के बाद बनाई गई है। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। हम तो ये कहते हैं कि हर एक को उसके मजहब पे चलने की, उसे फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई कानून ऐसा आता है जो इस उसके ऊपर पूरा उतरता है, हम उसे इस उसका समर्थन करते हैं,
लेकिन अगर किसी के मजहब की या उसकी मान्यता के ऊपर उसके ऊपर अमल करने पर कोई अंकुश लगता है हम जरूर उसकी मुखालफत करें। ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए कभी अजान का बात आते हैं, कभी तीन तलाक के बात आते हैं, अभी सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अरे सिविल कोर्ट से पहले तो चीज है ना, ये देश को नागरिक को चलना चाहिए। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कई सालों से है, लेकिन 1989 के आम चुनावों में पहली बार बीजेपी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है।